हाय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम जो है डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है म्यूकर माइकोसिस, जो कि अभी रिसेंटली जो है बहुत ज्यादा चर्चा में हो रही है, जो कि कोविड पेशेंट्स में जो है ज्यादा पाई जा रही है ये बीमारी म्यूकर माइकोसिस नाम की, जिसे हम ब्लैक फंगस भी बोलते हैं। तो आज हम इस डिजीज के जो है कॉजेज, उसकी ट्रीटमेंट और उसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि ये जो डिजीज है वो किस वजह से जो है होती है, किस वजह से हमारी बॉडी में जो है वो आती है, और इसके सिम्टम्स और साइंस जो है क्या देखने को मिलते हैं, और इसका हम क्या कैसे ट्रीट कर सकते हैं इस डिजीज को हम। तो सबसे पहले जो ब्लैक फंगस, जो म्यूकर माइकोसिस है, ये कैसे होती है, ये कैसे फैलती है। सबसे पहले जिन पेशेंट्स में जो है इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो होती है, ऐसे कोविड पेशेंट्स, जैसे ये ज्यादातर अभी कोविड पेशेंट्स को जो है वो हो रही है, तो जो कोविड पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो है इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो हो जाती है, इसलिए इन जो कोविड पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर ये जो है वो ज्यादातर डिजीज जो है पाई जा रही है आजकल। इसमें क्या होता है, जो COVID-19 के जो पेशेंट्स होते हैं, जो कि रिकवर हो जाते हैं कोविड पेशेंट्स, उनमें क्या है, इम्यूनिटी लो इस वजह से होती है क्योंकि ज्यादातर जो डायबिटिक पेशेंट्स हो रहे हैं उनमें ज्यादा ये जो है डिजीज मिलती है आजकल। तो जो डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं उनमें जो ब्लड शुगर है वो ज्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट होती है उसके अंदर कई बार जो है स्टेरॉइड्स जो होते हैं उनका यूज किया जाता है एज ए ट्रीटमेंट COVID-19 के लिए। तो ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जनरली वो जो बॉडी का जो ब्लड शुगर है वो हाई कर देते हैं, और ब्लड शुगर जब हाई हो जाता है तो जो इम्यूनिटी है वो भी लो रहती है जो रिकवर हो चुके होते हैं कोविड पेशेंट्स। तो क्या होता है, जब इनकी शुगर ज्यादा हो जाती है और इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है बॉडी की, तो जो ब्लैक फंगस है वो बॉडी पे अटैक कर देता है। इसकी वजह से ये बॉडी में जो है वो फैल जाता है सबसे पहले। तो यही है इसका जो कॉजेज है, इसमें आता है कि ये जो इन्फेक्शन है वो इम्यूनिटी जब कम होती है, वीक होती है हमारी, तब आता है, और ये इलनेस बीमारी के कारण आता है, जैसे एक हो गई कोविड पेशेंट्स में होती है, और हाई शुगर की वजह से भी होता है, और जो स्टेरॉइड्स जो है उनकी ज्यादा मात्रा होने से भी ये जो है ब्लैक फंगस डिजीज ज्यादा देखने को मिलती है। सो गाइस, अब हम म्यूकर माइकोसिस के जो है सिम्टम्स के बारे में बात करें कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो है हमें अगर ब्लैक फंगस डिजीज हो गई हो। तो सबसे पहले इसके जो सिम्टम्स है वो हमें आईज में देखने को मिलते हैं, नोज में देखने को मिलते हैं, और हमारी जो पैलेट्स होती है उनमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें नोज के अंदर जो है वो नाक बंद हो जाती है कई बार, अगर इसके म्यूकर माइकोसिस अगर हो जाता है तो कई बार नाक जो है वो बंद हो जाती है ऐसी, और उसके बाद में जो है नोज जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई भी हो जाती है, और कई बार जो है वो नाक जो है वो बहती भी है, और कई बार ब्लीडिंग भी जो है वो होती है। तो ये जो है सारे सिम्टम्स होते हैं हमारी नोज के अंदर। उसके बाद में अगर आई में अगर ये फैल जाता है म्यूकर माइकोसिस, तो आईज के अंदर जो है इसके सिम्टम्स होते हैं, जो हमारा आई का जो एरिया होता है उसके अराउंड में आसपास में जो है हमें पेन होने लगता है। उसके बाद में या तो हमारी स्वेलिंग आ जाती है या फिर रेडनेस हो जाती है, जो हमारी चीक बोन्स होती है उनमें या तो सूजन आ जाती है या फिर जो है वो रेड हो जाते हैं। उसके बाद में जो हम पैलेट्स में जो है हमारे ये आता है सिम्टम्स की सेंसेशन, मतलब जैसे थोड़ा सा सेंसेशन हो जाती है और पेन होने लगता है पैलेट्स में। तो ये सारे जो है इसके सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि जो कोविड रिकवर्ड जो पेशेंट्स होते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि जो है अगर इन्हें कभी भी ये सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं तो तुरंत जो है वो डायग्नोसिस कराना चाहिए म्यूकर माइकोसिस का। और इसका जो है अब हम डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे कि इसको जो है हम पता कैसे लगा सकते हैं कि ये जो है डिजीज हमें हो चुकी है। सो इसकी जो डायग्नोसिस होती है, जो इसके टेस्ट होते हैं उसके अंदर आते हैं कि हम जो है सीटी स्कैन भी जो है इसका डायग्नोसिस टेस्ट इसका हो सकता है। सीटी स्कैन में पता लगाया जा सकता है कि म्यूकर माइकोसिस डिजीज का। उसके बाद में बायोप्सी भी होती है, बायोप्सी से भी हम पता लगा सकते हैं, और उसके बाद में MRI जो स्कैन होता है उससे भी हम इन सब जो टेस्ट होते हैं इनसे हम पता लगा सकते हैं कि म्यूकर माइकोसिस डिजीज का। उसके बाद में अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें कि हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, कैसे इस बीमारी को जो है ट्रीट कर सकते हैं, तो सबसे पहले ये जो म्यूकर माइकोसिस होता है उसकी ट्रीटमेंट में अलग अलग स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए।
जैसे हम कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की बात करें तो वो हो गए जैसे ईएनटी के डॉक्टर्स होते हैं और नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं जो कि ब्रेन को जो है वो ट्रीट करते हैं, उसके बाद में फिजिशियन हो गए, और उसके बाद में आई जो सर्जन होते हैं वो भी, ये जो सारे डॉक्टर्स होते हैं इनके द्वारा हम इस बीमारी को जो है ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद में इसका सबसे पहला जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है वो होता है सर्जरी का, इसको सर्जरी से जो है वो हटाया जा सकता है ब्लैक फंगस को। उसके बाद में जो सेकेंड इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है एंटी फंगल मेडिसिन, जो एंटी फंगल मेडिसिन होती है उनको हाई डोज में जो है दिया जाता है इसकी ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद में अगर ये जो डिजीज है वो क्योर हो भी जाती है, ट्रीट अगर हो जाती है, उसके बाद भी जो है वो सर्जरी के जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं उनका जो है फॉलोअप जरूरी होता है हर 3-4 महीने के अंदर, ताकि जो है वो ज्यादा इसके चांसेस न रहे वापस होने के। सो गाइज, ये थी म्यूकर माइकोसिस के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन, उसके कॉजेस, उसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट, और इसके जो है वो हमने डायग्नोसिस भी पढ़ लिया कि इसको हम कैसे जो है ट्रीट कर सकते हैं, कैसे इसका टेस्ट हम जो है वो करवा सकते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर माई न्यू वीडियोज। और अगर आपको हमारी जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है इस वीडियो को पहुंचाइए।